कश्मीरा अब यहाँ पे कृष्णा नहीं है हाँ. तो मैं आपको खाली एक चुगली करना चाहता हूँ कि बहुत फ्लड करता है लड़कियों में यहाँ पे जो भी हिरन आती है. अच्छा हाँ वाह आपको गुस्सा नहीं आता जब तक फ्लर्टिंग रिजल्ट्स इन पेमेंट ठीक है जिस दिन फ्री फ्लर्ट किया ना तो इसका मटका तोड़ दूंगी मैं. नवंबर में मेरे भाई कृष्णा की पिक्चर रिलीज हो रही है मरने भी जा रही जोर जोर चली हो ए सुन तेरे को तो पिक्चर देखनी पड़ेगी. क्यों कैकू तेरी माँ मेरे कब्जे में है. मेरी तो माँ ही नहीं है. माँ नहीं है अच्छा तो तेरा बाप मेरे कब्जे में है. मेरा तो बाप भी नहीं है. तू क्या हंस रहा है. माँ भी नहीं है बाप भी नहीं है तू क्या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुए था क्या. ईस्ट और वेस्ट मरने में ऑल्सो बेस्ट. कृष्णा भैया बने प्रोड्यूसर फिल्म होगी सुपर डुपर. ऐसा बोलते बोलते नाला सुपारा तक जाओ चलो जल्दी. फिल्म होगी सुपर डुपर मेरा टीआरपी भैया कैसा है. अरे वाह हाय कैसे आप लोग. हाय इतना इज्जत नहीं बैठी इधर. बहुत अच्छा लगे ले आप लोग की पिक्चर देखी मैं मेरे को मस्त प्रोमो लगा पिक्चर का. एक बार जोरदार ताली हो जाए इनका पिक्चर के लिए. थैंक यू कप्पू तेरे को मालूम है आज ऐसा नहीं लग रहा है गेस्ट लोग से बात हो रही है. ऐसा लग रहा है कि ननद भाभी से बात कर रही है ना. सपना ये डायरेक्टर है फिल्म की और ये है मेन लीड है. ये मेन लीड है. कृष्णा भैया ने खुद का पैसा लगाया लेकिन खुद को हीरो नहीं लिए इसको हीरो लिए. पूछो क्यों. क्यों पता क्या ये पिक्चर में बार बार सुसाइड करते हैं ना जाके हाँ, हाँ. और ये उसको बचाती है हाँ. अगर कृष्णा भैया हीरो होते हाँ. तो फिर तो इनके मूड पे डिपेंड करता है कि बचाने के लिए कि नहीं बचाने के. ऐसा है इसलिए उसको लिए. मूड बोल रही है सपना मैं जानता हूँ दोनों को बड़ा प्यार है इनमें आपस में. बड़ा प्यार है. घर आके देख इनका बेडरूम में ना 6x6 का बेड है ऐसा बहुत बड़ा. तो वो तो अच्छी बात है ना फिर. लेकिन सोती तो है ना उसके ऊपर. कृष्णा जो है ना बेचारा कहाँ सोता है. 2x2 का चटाई पे नीचे सोता है. और रात को जब ये वॉशरूम जाती है ना उसकी छाती पे पैर रख के जाती है. अच्छा सुनो प्रॉब्लम ये नहीं कि छाती पे पैर रख के जाती है. प्रॉब्लम ये है कि हील पहन के सोती है शाही. ऐसे बोलते हैं तेरी भाभी है कश्मीरा. अरे भाभी है तो भाभी का फर्ज निभाना चाहिए था ना इनको. क्या इधर ननद बड़ी हो के बहनों ही जैसी हो गई है. तो बढ़ बढ़ के बहनों ही जैसी हो गई है. इतने लंबे चौड़े हीरो के साथ उसको कास्ट नहीं कर सकती थी क्या. अच्छा मतलब तुझे हीरोइन भी बनना है. मैं अपनी नहीं अर्चना जी की बात कर रही हूँ. सपना हो गया तेरा चल निकल अभी. नहीं ऐसा कैसे मैं बात करेगी आप लोग से. वी हैव ब्यूटी पार्लर. हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज है जी. कप्पू हम लोग के पास मरने भी दो यारो मसाज है. इसमें क्या इसमें क्या करते हैं फैमिली के 4 जन रहते हैं हाँ. वो लोग ऐसे थिएटर में जाते हैं पॉपकॉर्न विपकॉर्न खरीदते है हाँ. फिर आइसक्रीम खाते है और थिएटर में बैठ के मरने भी दो यारो एंजॉय करते है. इसमें मसाज कहाँ हुई. सब मसाज थोड़ी होती. प्रमोशन नहीं करेगी क्या मैं अपनी पिक्चर. फिर हम लोग के पास एक और मसाज है कश्मीरा मसाज. अच्छा इसमें क्या होता है. इसमें क्या हम दो कस्टमर को बुलाते हैं हाँ. दोनों कपड़ा उतारते हैं हाँ. हाँ एक को तेल लगाते हैं और कोने में बिठा देते हैं हाँ. और दूसरे को मस्त मसाज करते हैं. वो देख के जलता है बोलते कश्मीरा ऐसा मसाज. ऐसे रहते हैं. किसका फोन है कप्पू. हेलो हाँ क्या कृष्णा मिल नहीं रहा. वो रशियन लड़कियां तोड़फोड़ करने भी उतर आई. What? हाँ वो जिनको पैसे नहीं दिए थे. तो जब तक मैं इधर हूँ उनको कृष्णा मिलेगा भी नहीं. तो चल के देखे फिर क्या मामला है. हाँ भाई चल के देख. चलो आज पहली बार तुम्हारी फिल्म का प्रमोशन है पंगा पड़ गया. चलो 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 चलो, चलो. गाइस आप लोग जाइएगा नहीं हम वापस आते हैं. जल्दी आओ.
धन्यवाद धन्यवाद अर्चना जी, आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं बड़ा मजा आएगा आपको सुन के. क्यों? ये वैसे तो वर्ड नॉन पर्सनैलिटी है पर हैं ये पंजाब से और ये सरदार हैं और ये क्रिकेटर हैं और ये कमेंटेटर भी हैं. इससे पहले कि आपको हार्ट अटैक आ जाए मैं आपको बता दूं सिद्धू जी नहीं आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं हम सबके चहेते क्रिकेट की दुनिया के दूसरा स्पेशलिस्ट टर्मिनेटर हरभजन सिंह और उनकी बेटर हाफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस गीता बसरा. वाओ और गीता के लिए जोरदार तालियां. पजी बाजी गीता भाभी बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों. थैंक यू. पजी बाजी आपको बहुत मुबारक हो, आपकी शादी को 4 साल हो गए जी. अच्छा पजी बाजी जब पहली बार हमारे शो पे आए थे तब ये सिंगल थे जी, दूसरी बार जब ये आए तो शादी हो चुकी थी और भाभी के साथ आए. अब दोनों जो हैं बड़ी प्यारी सी बिटिया के पापा बन चुके हैं. पाजी चौथे एपिसोड की क्या प्लानिंग है? वो भी कर लेंगे प्लानिंग, कोई बात नहीं. आज अनाउंस कर दो क्या रिलीज डेट. पर गीता सीरियसली आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैंने जैसे बोला कि भजी पाजी पहली बार आए थे सिंगल थे, दूसरी बार शादी करके आपके साथ आए, अब आप एक बच्ची के पिता हैं, भजी पाजी में कितना चेंजेस जो है आपको दिखते हैं? आई थिंक हम दोनों काफ़ी चेंज हुए. आई थिंक जब बच्चा होता है स्पेशली वो मोमेंट पे आप बहुत बदलते हो, तो आई थिंक बोथ ऑफ अस आर क्वाइट पेशेंट एंड मज़ा आता है. अभी वो आई है यहाँ, बहुत ही प्यारी है. वेलकम हिनाया. हाय हिनाया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. थैंक यू. बच्ची बच्ची आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए भाभी. थैंक यू. थैंक यू. भजी भाजी हमारी टीम में हम सब क्रिकेट के फैन ही हैं, पर ऐसे ही सवाल था इनका. ये बोल रहे थे ऐसे ही कि भजी भाजी से पूछना कि ये जो डकवर्थ लुईस रूल होता है जी, ये समझना ज्यादा मुश्किल है कि बीवी किस बात पे नाराज है, ये समझना ज्यादा मुश्किल है. तो भाभी इनका क्वेश्चन था, मेरा नहीं कुछ. डकवर्थ लुईस को समझना आसान है, बीवी को समझना मुश्किल. नहीं एक्चुअली डकवर्थ लुईस मुझे वो भी समझ नहीं आया है, 4 साल में मोहतरमा भी नहीं समझ आई अभी. 4 साल से पहले भी हम 8 साल डेट कर रहे थे. समझ नहीं आ रहा तो किसको समझ आएगा. पाजी अर्चना मैम का सवाल था एक जी, कह रही थी कि आपकी शादी में दो दो प्राइम मिनिस्टर आए थे, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह जी और हमारे करंट जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी. ये जानना चाहती थी कि वो जैसे आए थे तो आपको लिफाफे में कितना शगुन डाल के गए थे. खुद ही पूछ लिया करो आप मेरे को, मत आगे किया करो. बदमाश कहीं. अच्छा पाजी वैसे वैसे तो कहा जाता है कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पापा के ज्यादा क्लोज होती हैं जी. हिनाया किसके क्लोज है ज्यादा? हिनाया जब मैं घर पे रहता हूँ तो फिर ये उठना इसने मेरे साथ है. उसने चाहे 7 बजे उठे या 6 बजे उठे, उसने पहले मुझे उठाना है. उसने ये नहीं देखना पापा सुबह 3 बजे आया या 2 बजे आया, और उसने मुझे उठाना है. तो फिर अगर पापा घर पे हैं तो फिर पापा के साथ ही टाइम स्पेंड करती है. ये इतना ट्रैवल करते हैं कि शी हार्डली सीज हिम, सो व्हेन ही इज देयर उनको चाहिए कि पापा ही मेरे साथ रहे. वेरी गुड, बहुत प्यारी है हिनाया. हिनाया हेलो, यू वांट टू से समथिंग? क्या कितनी कॉन्फिडेंट है बाजी. आई लव यू पापा. मेरा बेटा. थैंक यू. सो स्वीट. भाभी ने सिर्फ पापा को बोला, आपको तो बोला नहीं. मम्मा लव यू मम्मा. आई लव यू मम्मा. आई लव यू. सो स्वीट. बेटे लव यू चाचू भी बोलता है, ऐसे बेइज्जती होती टीवी पे. आई लव यू चाचू. आई लव यू मेरा बेबी. बेटे दादी जी अर्चना जी सॉरी मैं मुंह से निकल गया सॉरी. नानी बोल देते चल नानी. लव यू नानी. ना.
कहते नहीं और माइक आगे कहते नो